इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सर्वप्रथम आप सभी लोगों का हृदय से संस्था की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो समय है हमारी संस्था के लिए भी गर्व का दिन होता है, जब हम पूरे एक साल की मेहनत को, दो साल की मेहनत को नतीजे के रूप में देख रहे होते हैं। इस दिन के लिए ही हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे जो प्रोमिसेस होते हैं वो बच्चों को लेकर के हों, चाहे अभिभावकों को लेकर के हों, उन्हें हम जब पूरा करते हुए देखते हैं तो हमें अपनी पूरी साल भर की मेहनत याद आती है। हमें अपनी फैकल्टी मेंबर्स पर गर्व महसूस होता है, अपने बच्चों पर गर्व महसूस होता है, अपने मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पर गर्व महसूस होता है कि हमने पूरे साल मेहनत की। और हम जितना सोचते हैं हम अगर उसके नियर अबाउट रिजल्ट दे पाते हैं तो ये अंदर से कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं, हमने ईमानदारी से काम किया है। तो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी बात है, जो इन बच्चों ने हमें गर्वान्वित महसूस किया है, आप लोग इस रिजल्ट को देख करके हम सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप सब लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। इन बच्चों की मेहनत से ही हम लोगों की मेहनत दिखती है, अभिभावक के सपने पूरे होते हुए दिखते हैं, एक संस्था का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखा जाए तो हम टीचर्स एक मार्गदर्शन के रूप में इनके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है वो बच्चे का होता है। आप आगे भविष्य में अपने सपनों को पूरा करें। आप सभी लोगों को हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी संस्था के सभी मेंबर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये जो आयोजन है वो आपको सम्मान देने के रूप में तो है, लेकिन साथ साथ दूसरे इस रूप में भी है कि अब इसके बाद आप कॉलेज ले लेंगे, वहाँ एडमिशन हो जाएगा आपका, आप अपने सपने की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारा दिल से आशीर्वाद आप पे लगे। तो इसको आप दूसरे रूप में ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दिन या ये समय या ये आयोजन एक तरह से आशीर्वाद देने के रूप में है कि हम लोग अपने तहे दिल से सभी के साथ में आपको एक तरह से विदाई देना चाहते हैं उस प्रगतिशील जीवन के लिए जो आप लड़ने जा रहे हैं। ये जो आगे ज़िंदगी होगी उसमें हम में से जो भी सर लोग आपको दिल से आशीर्वाद दें, कुछ बातें बताएंगे, कुछ संस्कार वाली बातें बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके काम आएगी, और 4-5 साल बाद आप बहुत सक्सेसफुल लोगों की श्रेणी में जुड़ेंगे। IIT नो डाउट इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम्स में से एक है, एक प्रतिष्ठित एग्जाम है, जिसके बाद जब आप अगर IT से बीटेक करें या टॉप मोस्ट NIT से बीटेक करें तो कहीं ना कहीं कैरियर के सिक्योर होने में, कैरियर को बहुत अच्छा बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और वो प्रतिष्ठित एग्जाम आपने क्वालिफाइड किया है, इसलिए आप लोग रियली में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की श्रेणी में आते हैं, बेहतर दिमाग रखने वाले बच्चों की गिनती में आते हैं। तो आप सभी लोगों का मेरा भी दिल से, हृदय से प्यार आशीर्वाद। और आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सम्मान आपके जीवन में आगे और जीत हासिल करने के लिए प्रोत्साहन दे सके, आपको आशीर्वाद मिले। मैं चाहूँगा कि हमारी जो साल भर की जो टीम ने मेहनत की, जो फैकल्टी टीम ने मेहनत की, आज के इस प्रोग्राम में दो लोग ही सम्मान के हकदार होते हैं, एक तो बच्चा और दूसरा उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी टीम। मैं नाम लेना चाहूँगा ऐसी उन सभी फैकल्टी मेंबर्स का जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, उनका ही रिजल्ट है ये देखा जाए तो, उनके लिए भी मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हों। तो मैं चाहूँगा कि इस जर्नी में जो रहा, जिसमें मेहनत की गई, उन सर लोगों के नाम के साथ दो शब्द उमेश शर्मा सर से मैं चाहूंगा। एकेडमिक हेड श्री आशुतोष जी सर, HRD हेड श्री हरी जी सर, CMD अवधेश जी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर यादव जी सर, मेरे विद्वान साथियों, और IIT JEE एडवांस जैसी प्रतिष्ठित एग्जाम में अपना शीर्ष प्रदर्शन करने वाले होनहार विद्यार्थियों और उनके बच्चों के हमें गौरवान्वित करने वाले और ऐसे नौनिहालों को जन्म दे करके और इस मुकाम तक पहुंचाने वाले अभिभावकों, आज वाकई बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन है, क्योंकि IIT जैसी एग्जाम एक साधारण एग्जाम नहीं है,
आईआईटी मेन और आईआईटी एडवांस में बहुत अंतर होता है। आईआईटी मेन में जब 175 सिलेक्शंस कक्षा 12 के साथ बच्चों के हुए थे तो मुझे उम्मीद थी कि लगभग हमारे 40 से 50 बच्चे एडवांस में बहुत अच्छी रैंक देंगे, और उस उम्मीदों पर हम लोग खड़े उतरे। मैं, मेरी पूरी फैकल्टी टीम जो 2 वर्ष इनके साथ जी जान से जुटी हुई थी, अथक प्रयास किया। इतना आसान नहीं होता सब चीज़ों को मैनेज करना और उस लेवल पर बच्चों को मोटिवेट बनाए रखना, लेकिन इन लोगों ने वहाँ किया। और इस कोरोना काल में भी जिस हिसाब से अब पढ़ाई की जा रही है, मुझे पूर्ण उम्मीद है आगामी परिणाम और भी श्रेयस्कर होंगे। और मैं इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देता हूँ कि जब ये IITs में जाएंगे तो इनको वहाँ बिल्कुल एक नई दुनिया इनका इंतजार कर रही होगी। इनके सपने साकार करने की दिशा में ये पहला कदम वहाँ ले रहे होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि IIT एडवांस्ड में जब आप लोग जाओगे तो एक बेटा जो अच्छी जो चीज़ आपके साथ होगी, आप हर बालक को, आपके हर सीनियर को, सबको याद रखना, सबको पहचानना, क्योंकि यही बच्चे कोई ना कोई किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे, कोई IAS होगा, कोई कहीं कुछ होगा। तो ये आपके जो IIT में जो कलीग्स होंगे, जो सहपाठी होंगे, ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली। तो जितने अच्छे कॉलेज में जो आप जाओगे तो वहाँ उतने ही ब्रेन स्टूडेंट्स मिलेंगे, वहाँ का कल्चर भी ऐसा ही होगा, तो आप लोगों में भी रिमार्केबल चेंजेस आने वाले हैं। और आप अपने करियर को लेकर के आगे, आपको केवल ये IIT ही ले ली इससे ही आपको संतुष्ट नहीं होना है, आपको अपनी भावी प्लानिंग, अपने जीवन की भावी प्लानिंग, आपको किसी को ES में जाना है या IAS में जाना है, उसी हिसाब से ये प्लान करना है। और जब आप काउंसलिंग कर रहे हो, अभी जो काउंसलिंग फॉर्म आपका भरा जाएगा तो मैं, आप जो है अतुल जी सर से आप संपर्क कर लेना, तो आपको ये कॉलेज ब्रांच और आपको क्या आगे आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, आपको कैंपस प्लेसमेंट चाहिए या आपको जो है फर्दर स्टडीज में आगे क्या करना है, आप सब सर के साथ डिस्कशन करना, उसके अकॉर्डिंग सर आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच और किस हिसाब से आपको ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे टीचर्स को मेरे हृदय के अंतरस्थल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि ऐसे शीर्षक परिणाम कि IIT JEE एडवांस में अंडर 500 रैंक, देन अंडर 1000 रैंक, और ST में भी हमारे बहुत अच्छी रैंक्स, अंडर 500 में अराउंड 10 स्टूडेंट्स। तो नो डाउट हमारे SC कैंडिडेट में आयुष ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और कहने सभी बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप इस संस्थान का न केवल IIT एडवांस के माध्यम से बल्कि IAS और IAS जैसी प्रतिष्ठित एग्जामों में क्वालिफाई करके हमें गौरवान्वित करने का एक बार पुनः मौका दोगे, और एक बार पुनः ये अवसर प्रदान करोगे कि हम आपका एक भव्य आयोजन कर सकें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण आज इस प्रोग्राम को उस लेवल पर कर पाना इतना आसान नहीं था, संभव नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों का सम्मान से हमें जो खुशी और जो ऊर्जा मिलेगी, ये ऊर्जा आप लोगों को देख करके हमारी अगली फैकल्टी टीम, अगली ये जो आने वाले रिजल्ट्स हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। हर मैदान फतेह, हर
दिन के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा।